प्रमोट किया मैंने सर, मैंने वो भी प्रमोट किया, 5 लाख रुपए का 75 लाख मिलेगा, कोई कर सकते हो? 5 लाख रुपए का, सॉरी 5,000 रुपए लगानी करो, 75 लाख मिलेगा, इतिहास गवाह है, 5,000 रुपए लगाओ 75 लाख मिलेगा। मैंने किया प्रमोट बॉस, एक ही खौफ था मुझे, उस इंसान ने बोला कि जो भी कलेक्शन आएगा ट्रेडिंग में डालूंगा, फॉरेक्स में डालूंगा। बोला ठीक है चल मैं प्रमोट करता हूँ। मैं पहुंचा था पूना शहर के अंदर, कंपनी के केवल 8 एंट्री ज्वाइन हुआ था, मैंने 14,000 ज्वाइनिंग दिया 2 महीने के अंदर, 14,000 ज्वाइनिंग दिया 5,000 की एंट्री में। यहाँ मेरी मीटिंग चलती एक जगह में, उस कंपनी ने वेबसाइट बंद करके, मालिक बंद हो गए, बाजू में शारदा कंपनी बंद हो गई, सुना होगा चिट फंड, उस वक्त की बात करता कह रहा हूँ मैं, 2013 की बात, और कंपनी बंद हो गई वहाँ चिट फंड, लोग पुलिस ढूंढ रही है, हर लोग अंदर कर रहा है, और मैं स्ट्रेस में फाड़ रहा हूँ कि भाई 75 लाख मिलेगा, 75 लाख मिलेगा, 75 लाख मिलेगा, वहाँ तक तो पूरा गाड़ी आ गया, तो क्या करूँ मैं बताओ, खड़ा रहा ऐसा, आई एम द मैन 75 लाख, मालक बंद, वेबसाइट बंद, करे तो क्या करे, करे तो क्या करे। लेकिन गलती मेरी भी थी, मुझे लालच था कि ट्रेडिंग कराएगा वो बंदा, अकाउंट देगा, कभी नहीं दिया उस बंदे ने। उसके बाद मैं पहुंचा, आज मैं बहुत खुश हूँ, हमारी मैडम है, और वहाँ यू नो 2011 के वक्त में मिला और नमस्ते, और एक वन ऑफ द कंपनी में उनसे मुलाकात हुई, और वही खौफ लेके फिर वापस गया कि मैं ट्रेडिंग करता हूँ, ट्रेडिंग करूँगा, ट्रेडिंग करूँगा, तो एनी बस वहाँ से भी नहीं हो पाया। मैं फॉलोअर था सर का, बहुत ही बड़े बढ़िया सा, लेकिन पहुँच तो कैसे पहुँचूँ, लेकिन अगर सच्चा दिल से अगर चाह लोगे किसी को, लेकिन ऐसा चीज़ नहीं है कि नहीं पाने के लिए, लेकिन सर का मैं हमेशा फॉलोअर रहा, हमेशा सर मिलूँ तो कैसा मिलूँ, कैसा बोलूँ मैं उनको मैं ट्रेडर हूँ, कैसा बोलूँ, हाउ प्रेजेंट। तब बैंकॉक में सर की आज भी फोटोग्राफ है, मैं आपको दिखाऊंगा चाहे तो, मुलाकात हुई तो मैं बैंकॉक में बैठ के ट्रेड कर रहा था और अनुभव अपना गुजारा चला रहा था। ख्वाब हमेशा था, हर कंट्रियों में जाता था, एक ही प्रेजेंटेंस थी, भाई मैं फॉरेक्स ट्रेडर हूँ, मैं ट्रेड करता हूँ, मैं केवल महीने का 10% आराम से निकल सकता हूँ, एग्जाम्पल देता गया, करता रहा, लेकिन किसी ने नहीं पहचाना मुझे, कोई पहचान तो लो कि उसकी हुनर क्या है, उसकी ताकत क्या है, लेकिन किसी ने नहीं पहचाना दोस्त। जिंदगी में आगे बढ़ने इतना आसान रास्ता नहीं है कि कठिन ही हमेशा आता है, झेलना सीखना चाहिए इंसान को, झेलना सीखना चाहिए, हिम्मत नहीं हारना चाहिए, अगर दुनिया में अगर जब तक है तो हमेशा याद रखना चाहिए, जिंदगी को लड़ना चाहिए, फाइटर हो मैं फाइटर, फाइट करना चाहिए। लेकिन आज आपके सामने दुबई के अंदर 2020 में एक और फाइट करना गया कि शाइन इंटरनेशनल नेक्स्ट जेट लॉन्च करना है, ये मेरा वादा है। कोई रहे या न रहे साथ में, महेंद्र सिंह एक है वही अकाउंट लेके जाएगा, गोल्ड के कोई भी कोना में बैठ के ट्रेड करके उस शाइन का जरूर लंच कराएगा, ये गारंटी मैं दिल से बात करता हूं अंदर से। लेकिन एक ही चीज है, शक्ति है, ताकत, एक्सेप्ट, ये मार्केट है जिसको मैं चाहता था दिल से, करीबे से। ऐसा कोई ब्रोकर नहीं मिला, ऐसे दिन भी आए जहां के दिन मेरे कई 10 साल से 11 साल से दोस्त लोग, उनसे मैं जरूर इंट्रोडक्शन कराऊंगा, उन लोगों से उनका मुख से भी कुछ बातें सुनाऊंगा। ऐसा दिन भी आया जैसे रात को सोया तक 5-5, 10-10 लाख डॉलर हड्डल नहीं दिया कंपनी लोगों ने, कहां जाके ढूंढूं, क्लाइंट आ गया मेरे पास। ऐसा दिन भी आया दोस्त मेरे पास यहां पे गोली भी लगी, बोला मेरा पैसा दे दे, वो भी झेला मैंने, लेकिन मेरा कोई गलती नहीं था, गलती था ब्रोकर्स का जिसने हड्डल नहीं दिया। क्या करते बॉस, आज यू आर ऑल लकी, कल के अंदर अकाउंट उड़ गया तो कुछ हो गया तो पूछने के लिए आपके पास है एफएक्स, आ सकते हो आप, ढूंढ के बोल सकते हो कि क्या हुआ, उसका आंसर जरूर मिलेगा। खास मुझे मिलता तो नहीं मिला। देखो जब बैंकॉक से सर से मुलाकात हुई तो यू नो जैसे सर ने कहा कि 15 मिनट का ये है क्या कहते हैं रास्ता है, जर्नी है, तो आप बता सकते हो बता दो। केवल 15 मिनट की मीटिंग थी, एयरपोर्ट ड्रॉप करना गया था तो कहा कि सर का 4 दिन के बाद फोन आया कि आप आ जाओ बनारस। तो हम बैंगलोर गए और बैंगलोर से बनारस गया, सर ने पूछा आइए बैठिए, मैंने देखा माई गॉड इतने सारे बॉडीगार्ड हथियारे गाड़ियाँ, तो मेरा तो बल्थी बंद। मैं बोला अभी क्या करूँ यार, टेंशन हो गया यार, मैं बोला माय गॉड इनका फंड मैनेजर बनना है क्या। चलो बोले भाई अकाउंट कितना का लोगे, बोलती बंद, क्या बोलूँ यार कितना का लूँ मैं, 10 लाख पूछूँ, 20 लाख पूछूँ। फिर बोला सर अरे बोलो तो सही अकाउंट लोगे कितना, 4 दिन के बाद बोला 1,11,55,00,000 अकाउंट चाहिए सर। सर ने 15 मिनट के अंदर बोला कि ले लो, और वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। लेकिन मेरे पास बाउंड्री था, मेरे पास हथगड़ी थी, वहाँ भी मैं किसी के अंडर में था, कहा नहीं पाता लेकिन कुछ बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन डायरेक्ट एक्सेस नहीं था, उसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सेस। अगर जिस इंसान के पास डायरेक्ट सक्सेस हो तो डायरेक्ट बुर्ज खलीफा जा सकता है, लेकिन वहाँ कई बाउंड्रियाँ हैं, लेकिन एक्सेस तो मिलना चाहिए दोस्त, ये बात भी सच है। एक्सेस नहीं था मेरे पास, अपना कला दिखाता रहा, करता गया, कला था दिखाता, ऐसे 2 साल बीत गए, राइट सर, 2 साल मतलब 2018 टू 20,
टू ईयर्स सर के साथ आया, गए मुंबई, गए गोवा, गए मीटिंग किए, सब किए। देन एक सर की जो सोच थी कि दुनिया के अंदर कभी जिंदगी में सर ना पैसे के लिए काम किए ना अपने पैसे के लिए, लेकिन उनके एक हुनर था, लेकिन उनकी एक तलाश थी कि दुनिया के अंदर बने तो नंबर वन बने, लेकिन बनना जरूरी था। सर को मैंने बताया कि सर ये जो मार्केट है जहाँ चलता है यहाँ पे, जो दुनिया का एक मार्केट है जिसके अंदर रियली अगर आपने वहाँ पे लगा लिया तो शायद आने वाले पीढ़ी तक देखी जाएगा, ये वो है SJFX। प्लानिंग की सर ने बनाया तो डॉक्यूमेंट बनाई, हमारे साथ कहीं ऐसा हुआ उसके बाद भी देखो फिर भी एक हादसा आपने देखा होगा हांगकांग में, कोई थे हांगकांग मीटिंग में? यस, वादा किया था हांगकांग में, राशिद नसीम रहे या महेंद्र सिंह रहे या न रहे, लेकिन SJFX जरूर रहेगा, चाहे तो नाम भी चेंज कर सकते थे, लेकिन आज भी बता रहा हूँ 2020 में इसी स्टेज में और आगे भी आपको सुनना मिलेगा। वो चीज़ बना दिया हमने, पहला तो वो चीज़ बना दिया हम लोगों ने। या इससे पहले नितेश जी ने बोले थे या ब्रोकिंग के बारे में, टेक्निकल के बारे में, हर चीज़ के बारे में उन्होंने कहा था कि क्या मार्केट के अंदर आप आए हो दोस्त, क्या मार्केट है, मल्टी मिलियर मार्केट है, दुनिया की 5.53 trillion मार्केट है, इस मार्केट के साथ आ आए हो आप, समझ जाओ, अच्छे से सोच लो, अगर आपके पास सच्चा ट्रेडर हो, राइट ब्रोकर्स हो, दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं होगा कि जो आपको जो चाहोगे तो वो नहीं मिलेगा, वो जरूर मिलेगा। ये है फॉरेक्स जिसके साथ मैं आज खड़ा हूं, जहां पे चलती है लाइफ मार्केट के अंदर। मैं इसको ऐसा करके देख के बता सकता हूं कि नेक्स्ट क्या होने वाला है, इतनी नॉलेज मेरी पूरी बॉडी के अंदर कैंडल घूमती है रात दिन। कुछ लोग भी है देखा है उन्होंने यहाँ पे ऑफिस ओपन करने से पहला केवल आधा घंटा नींद किया हूँ मैंने पूरी 24 घंटे के अंदर, तब भी इतना ही एनर्जी है मेरे पास, क्योंकि वो पावर देता है, वो शक्ति देता है कैंडल। मेरी जिंदगी की कीमत एवरी सेकेंड वैल्यूबल टाइम है, एवरी सेकेंड ट्रेड लगाया, खट से प्रॉफिट किया, आई कैन शो यू हु आई शो यू, और आपको बना के छोड़ूंगा अगर आप सच्चे दिल से जुड़ जाओगे तो। कमिटमेंट है, हर ट्रेडिंग का टिप्स दूंगा सुबह 11 से लेकर रात का 12, सोना नहीं दूंगा। अगर जिसके पास अगर एग्जाम्पल लेना हो आज मीटिंग के बाद कल बैठना मेरे साथ, जिसका 18 घंटा बैठने का ताकत हो बिना हिला कर, जाना नहीं है कहीं भी, परफेक्ट लेके जाना है वो मैं करा के दूंगा। ये चैलेंज है मेरी, चैलेंज है, चैलेंज कमा के जाना और निकालना विड्रॉल, वादा है मेरा। लाइव कैमरा दुनिया के अंदर, मीडिया के अंदर, इंटरनेशनल पूरी दुनिया के न्यूज के साथ बोलूंगा मैं ट्रेडर हूं, ट्रेडर्स मैंने 15 साल गुजारा हूं, लेकिन आप लोग इतना गुजारने का जरूरत नहीं है दोस्तों, केवल 6 महीना टेक की रहो, 6 महीने का टिप्स ले लो, देखना 7 महीने बाद फिर मिलूंगा कोई और कंट्री के अंदर, फिर वही चैलेंज दूंगा, इतना तो गारंटी है। या वो टेक्निकल हो या वो कुछ कुछ हो, अगर जिसके पास हाउस हो, जिसकी लाइसेंस तो वहां तक हो। इसी के लिए मैंने 2014 में एंट्री मारा था दुबई में, मैंने कंपनी बनाई थी कि कई सारा धोखा हुआ, कई सारा हुडल नहीं मेरा, क्लाइंट को नहीं मिला, आया था तरसने के लिए यहाँ पे कि जहाँ पे बैंक टू बैंक में ट्रेड करने के लिए, मुझे ट्रेडिंग करने के लिए मिल जाए तो दुनिया क्या देखा सकता हूँ। लेकिन इतना बड़ा मार्केट है, बहुत सच्चाई कोई नहीं बोलता है, कहीं से भी कोई बोलता ही नहीं है। अगर बैंक के साथ ट्रेड करना है तो एम्पायर आपको कम से कम कई $1 million खर्च करना होगा, तब बैंक आपको फिर देती है, हम कहाँ से करें, वापस घूम फिर किसी ब्रोकर के साथ काम करें, क्या करें। लेकिन आज मैं आपको बोल सकता हूँ दुनिया के अंदर, आज 2020 के अंदर बोल सकता हूँ कि आज कोई दुनिया नहीं है जिसके साथ एक ट्रेड मारा LP ने खटक से पैसा दे दिया, वो चीज़ है अपने पास डायरेक्ट टू बैंक। और ये भी मैं प्रूव कर सकता हूं, बैंक को डर हो गया है। नितेश जी कहां है? हेलो प्लीज। ट्रेड मारा, रिजल्ट किया, बैंक ने हैरान हो गया, बोला किसका ट्रेड है? महेंद्र सिंह का ट्रेड है। जिसने भी गुलमाल की उसकी तो खैर ही नहीं है दुनिया के अंदर, शायद कई ब्रोकर भी जानते हैं कि इसके अकाउंट में छेड़खानी नहीं कर सकते, लेकिन हमको पता है कि जिसमें कहां क्या होता है। ट्रेड मारा, एक ट्रेड 500 ट्रेड वन टाइम ट्रेड गया, बॉस 500 ट्रेड रिजेक्ट हो गया, वहां से रिवर्स किया तब भी शट आउट किया। क्या नितेश जी बताइए कैसी थी हमारी ट्रेड 500 वाट? क्या बोलता है आपका बैंक जिसने किया है? चैलेंज है, बोला कि यू कम टू लंडन, आई विल गिव यू द व्हाट यू कॉल हेलीकॉप्टर, सो मेनी हेलीकॉप्टर। मैं बोला बॉस आई विल कम टू बाय हेलीकॉप्टर फ्रॉम लंडन नेक्स्ट इन द ब्रोकिंग हाउस, द ब्रोकरेज, नॉट इन द गिफ्ट, नॉट इन द गिफ्ट। बोला ख्वाब देखा है शाइन की एयरलाइंस दुबई के अंदर, दुनिया लंच कराएंगे बिकॉज आपके साथ होकर, आपकी ताकत को लेकर। मैं यहाँ कोई मोटिवेशन नहीं करता, प्रैक्टिकली ट्रेडर हूँ, प्रैक्टिकली ट्रेड अगर आजमा के देख लो, चलो मीटिंग करते कर अकाउंट ओपन करो,
बुक करता हूँ हयात कल सर को बोलकर वापस सुबह 11 से लेकर रात को 12 बजे के अंदर इस हल से बाहर जाओगे तो खुशियां जाओगे 10% एक दिन का लेके जाओगे। चलो चैलेंज करते हो क्या? आर यू रेडी? बाकी छोड़ दो, कितने लोग हैं इसके अंदर बताइए, हाउ मेनी पीपल, कितने लोग? 300 लोग। कैन यू ओपन 300 अकाउंट टुमारो, न्यू अकाउंट एसजे? चलो डन, 300 लोग फिर मैं मीटिंग करता हूं कल। लागो मोबाइल वहां रखो, यहीं रहेगा, बात भी रहेगी, मीटिंग भी रहेगी, ट्रेडिंग भी रहेगी, प्रॉफिट भी रहेगा, हुडल भी रहेगा। चलो उसके बाद सोचना क्या सीधा क्या नहीं होता, तब सोचना कि एसजे एफएक्स की पावर, दुनिया की ब्रोकर्स चुटकी में चुटकी आज भी डरते हैं कि महेंद्र सिंह कम बैक, 6 दिन बॉस, मेरे लिए हुनर अगर मैंने पा लिया, मेरे फैमिली मेरे साथ रहेंगे, जरूर रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी जो हमने कमिटमेंट की थी हांगकांग के अंदर, ट्रेड मारो, खटक से जाओ और हुडल करो, कॉफी पियो तो सीधा मारो, टच टू रिंग टेक द कॉफी बॉस, अब आ गया है, बोलो परफिट करो, टच द रिंग टेक द हुडल, कौन बोलेगा हुडल नहीं आएगा? 24 घंटे का वक्त दिया है बॉस, 24 आवर्स आपकी फंडिंग के टाइम, हुडल टाइम 24 आवर के अंदर, बोलना नहीं आया तो मुझे फोन करने जरूरत नहीं, सर को फोन करने जरूरत नहीं, ऑफिस खुला पड़ा है, कॉल सेंटर खुला पड़ा है, फोन लगाइए, तरातर मेल करिए, रिपोर्ट नहीं आया तो बोलिए। सिस्टम काम करता है, सिस्टम, हमने सिस्टम बिल्ड किया है, 22 दिन के अंदर पूरा सिस्टम को खड़ा करा दिया। ये चीज है बॉस, मैं दिल से बात करूं। नितेश जी बोलिए, हमारा ट्रेड कैसा था? तो हेलो, या सो द फर्स्ट डे व्हेन वी स्टार्टेड ट्रेडिंग आई गॉट अ कॉल इन द मिडल ऑफ द नाइट अराउंड अबाउट 11:30 दुबई टाइम सेइंग कि हू इज ट्रेडिंग, आई एम लाइक व्हाई, मेरे को पूछा ट्रेड कौन कर रहा है, आई एम लाइक महेंद्र सर ट्रेड कर रहे हैं, बोलते क्यों, मैंने पूछा बोलते इतने लॉट्स इतना प्रॉफिट आप लोग, मतलब सीरियसली कोई एक इंसान ट्रेड कर रहा है? मैं बोला हाँ, मैंने खुद देखा क्योंकि मैं मैनेज कर रहा हूँ सिस्टम्स, तो हमारे बैंकर्स थोड़े से सरप्राइज हो गए थे कि ये क्या हो रहा है, मतलब इतना प्रॉफिट अचानक से, इतने सारे लॉट्स मार रहे, इतना प्रॉफिट आ रहा है, क्योंकि जनरली मैंने बोला था कि यू नो उनके पास यू नो हर टाइप के ट्रेडर्स आते हैं, हर ब्रोकर से अलग अलग टाइप के ट्रेड्स आते हैं, तो वो एसजेएफएक्स को देख के वो लोग काफ़ी परेशान हो गए थे, मतलब दे वर हैप्पी फॉर अस कि